लेट्स टू क्वेश्चन थ्री इज अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप एक मैन है जो शिप पे खड़ा है वॉटर लेवल मीटर वॉटर लेवल से ऊपर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन उसने ऑब्जर्व किया एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली ऑफ़ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ क्लिफ टॉप पे और बॉटम पे मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा बॉटम पे क्लिफ के क्लिफ़ होती है चट्टान आ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री तो एलिवेशन टॉप पे हो रहा है 60 डिग्री और डिप्रेशन हो रहा है 30 डिग्री कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ़ फ्राम द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ साइड बाय साइड हमें क्या निकालना है इसमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ़ फ्रॉम द शिप शिप और क्लिफ़ के बीच का डिस्टेंस और क्लिफ़ की हाइट हमें निकालनी है तो अब हम हाथों हाथ अपनी फिगर बना लेते हैं सबसे पहले अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप 16 मीटर अबव द वाटर लेवल तो मान लीजिए ये हमारा वाटर लेवल है तो इस पे 16 मीटर अबव एक आदमी खड़ा है राइट right? तो ये हमारा हाइट है 16 मीटर राइट right? और एक चट्टान खड़ी है क्लिफ खड़ा है तो ये हमारी होगी क्लिफ अब देखिए आगे क्या कह रहा है अबव द वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री तो वो कह रहा है हमारे क्लिफ के बॉटम और टॉप पे हमारा एंगल बन रहा है यहाँ से तो एंगल ऑफ़ डिप्रेशन बन रहा है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना एलिवेशन है हमारा 60 और डिप्रेशन है 30 तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 60 तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन बना लेती हूँ और एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा थर्टी तो दैट मींस ये हमारा आया सिक्सटी और ये आया हमारा थर्टी डिग्री राइट आगे क्या कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप तो देखिए ये डिस्टेंस निकालना है ये हमारा शिप था ये हमारी क्लिफ थी तो ये आया डिस्टेंस शिप शिप नाम लिख दिया ये क्लिफ ये, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है एक तो हमें और क्या निकालना है हमें दैट एंड हाइट ऑफ द क्लिफ यह क्लिफ है इसकी हाइट निकालनी है ये निकालना है राइट right? तो हम इसको पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी अब हम लेट कर लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ शिप एंड क्लिफ b x मीटर इसका मतलब देखिए ये शिप है ये क्लिफ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा x मीटर है राइट right? अब हमें हाइट भी निकालनी थी क्लिफ की तो इसे भी लेट कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ क्लिफ B H मीटर तो ये कितनी आ गई हमारी H मीटर तो देखिए यहाँ पे भी C यहाँ पे भी C लिख दिया है गलती से मैं इसको D बना देती हूँ पॉइंट D अब देखिए एस ए हमारा 16 है तो बी डी भी हमारा कितना होगा वाटर लेवल से शिप जो है वो 16 मीटर पे था बंदा जो पर्सन था वो 16 मीटर हाई पे था वाटर लेवल से तो यहाँ से भी क्लिफ के ऊपर से ये डी पॉइंट कितना होगा 16 मीटर आए तो हम ये लिख सकते हैं ए एस इज़ इक्वल्स टू बी डी कितना दैट इज़ 16 मीटर आ गया अब हम हमें पता है ए पी के बीच का डिस्टेंस एक्स माना है तो एस डी का भी तो एक्स ही हुआ तो हमने लिखा ए बी इक्वल्स टू एस डी दैट इज़ x मीटर आ गया और देखिए अब हमें ये पता चल गया ये 16 मीटर है ये x मीटर है ये भी x मीटर है तो हमें सी डी निकालना है तो सी डी कैसे निकालेंगे टोटल में से दैट मीन्स बी सी में से हम अगर बी डी माइनस कर दें तो बी सी में से हमने बी डी माइनस कर दी तो बी सी कितनी थी हमारी h और बी डी कितनी थी 16 तो हमारी ये क्या गई? CD आ गई सी डी आ गई अब हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये डिप्रेशन वाला ट्राइंगल लेकिन हम कौन सा लेंगे हमें इसका क्या पता है सिर्फ ये वाली वैल्यू पता है और ये वाली वैल्यू पता है तो आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी तो हमारा ये थर्टी डिग्री था डिप्रेशन एंगल तो ये भी कितना हो गया थर्टी डिग्री हो गया राइट right? आप अगर इससे भी निकालते हैं एस डी बी से तो देखिए ये एक्स और ये 16 मीटर आएगा इसी तरीके से देखिए ये 16 मीटर ये एक्स है चाहे ये ट्राइंगल लें या ये ट्राइंगल लें बात एक ही है तो इन ट्राइंगल एस ए बी एस ए बी में हमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हुआ हमारा एस ए या एस और बेस हुआ हमारा ए बी अब टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री ए एस हमारा कितना दे रखा है सिक्सटीन और ए बी है हमारा एक्स तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स कितना आ गया हमारा सिक्सटीन रूट थ्री मीटर राइट अब हमें रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है देखिए रूट थ्री की वैल्यू दे रखिए वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो हम पुट कर देते हैं तो ये आ गया हमारा सिक्सटीन इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो ये कितना आ गया देखिए वन सेवन थ्री टू को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई किया सिक्स टू जो ट्वेल्थ सिक्स थ्री जो एटीन नाइनटीन फोर्टी टू फोर्टी थ्री सिक्स वन जो सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू थ्री सेवन वन तो ये आ गया टू इलेवन कैरी वन सेवन सेवन टू तो ये आया टू सेवन पॉइंट सेवन वन टू आ गया राइट मीटर राइट अब इसको ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन वन कहें या पॉइंट सेवन वन टू मीटर का ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन वन टू मीटर बात एक ही है तो हम अब ये आ गया x हमारा अब हमें क्या निकालना है अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम सी डी एस का है या एस डी सी का है बात एक ही है तो हमने लिखा इन ट्राइंगल एस डी सी तो हमारा ऑब्वियसली इसमें भी हमारा पर्पेंडिकुलर और बेस पता है तो हमने लिखा टेन सिक्सटी डिग्री ये टेन सिक्सटी डिग्री था यस टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा सी डी और बेस है हमारा एस डी अब टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री सी डी कितना निकल के आया था सी डी निकल के आया था एच माइनस सिक्सटीन एच माइनस सिक्सटीन और SD डी कितना था हमारा एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया हमारा रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू एच माइनस सिक्सटीन अब देखिए मैं एक्स की वैल्यू सिक्सटीन रूट थ्री लिख रही हूँ क्यों लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं पॉइंट्स की वैल्यू लिखती हूँ तो वो अप्रॉक्स आ जाएगी राइट और देखिए यहाँ पे अगर मेरी रूट थ्री थी तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज़ थ्री हो जाएगा इसलिए तो मैंने लिखा रूट थ्री इंटू सिक्सटीन रूट थ्री इक्वल्स टू एच माइनस सिक्सटीन यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ पुटिंग एक्स इक्वल्स टू सिक्सटीन रूट थ्री राइट अब ये कितना आ गया देखिए सिक्सटीन रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री तो सिक्सटीन इंटू थ्री इक्वल्स टू एच माइनस सिक्सटीन तो ये आ गया हमारा फोर्टी एट इक्वल्स टू एच माइनस सिक्सटीन तो h आ गया हमारा उधर जाके प्लस का हो जाएगा 16 तो h आया हमारा 14 कैरी वन सिक्स सिक्सटी फ़ोर मीटर तो हैंस h क्या माना था हमने h माना था हाइट ऑफ क्लिफ़ तो हाइट ऑफ क्लिफ आई हमारी 64 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ़ आया डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ आया हमारा दैट इज़ ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन वन तक लिखें या सेवन वन टू तक लिखें आंसर करेक्ट है मीटर इज़ द आंसर